जो हमरी विधोती मेरे सतपुरा साबित तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। हमारी क्या औकात है हम उसके सामने सिर उठाकर देख भी पाए, हम तो नाली के गंदे कीड़े हैं जिसको उसने अपना लिया, अपनी छत्र छाया दे दी। बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। सत्संगी बंधुओं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, शायद इसका हम किसी को भी एहसास भी नहीं होगा कि हम कितने भाग्यशाली, क्योंकि हम आशुतोष जी महाराज जी की छत्र छाया में बैठे। एक वक्त जिस वक्त ये एहसास जरूर होगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं थे। ईश्वर के दो स्वरूप बताए हैं, एक निर्गुण एक सगुण। जो निर्गुण है ना, उसने जीवन दिया, जन्म दिया, संस्कारों की गठरी सिर पे रख दी, जाओ करो ढो, इतना काम था उसका। उसने तराजू पे तोल के सब कुछ ठीक ठीक आपको दे दिया, जो आपका था, शुभ था अशुभ था, सब कुछ आपको दे। वो प्रभु ने संसार में भेज दिया, ये भी उसकी बहुत बड़ी कृपा थी। लेकिन जिस वक्त उसने देखा कि मनुष्य ऐसा महान जीवन पाकर अपना कर्म भूल गया, पथ भ्रष्ट हो गया, ईश्वर को फिर दया आई। अब क्या किया जाए इसका, दोबारा मौका मिलने वाला नहीं, दोबारा ये अवसर नहीं मिले, तो भगवान को आना पड़ता है शरीर लेकर। निराकार इंसाफ का तराजू है, इंसाफ ठीक ठीक तोलता है, अच्छे की जगह अच्छा, बुरे की जगह बुरा, जो आपने बोया भेज देता है, काटो जाकर काटो। अब बारी भी काटने की यही है, एक ही है। लेकिन प्रभु जिस वक्त देखता है कि इस व्यक्ति ये काट नहीं पाएगा बल्कि और बोए जा रहा है, इसे कितने जन्म, हजारों जन्म, करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, इसकी मुक्ति नहीं हो सकती, वो दया करके करुणा करके इस धरती पर आता है, महापुरुष बन के, सतगुरु बन के, अवतार बन के, केवल करुणा के कारण। वो हमारे इतिहास को देखे, अगर वो कहीं जज होता तो आकर केवल सजा देता हमारे कर्मों की, वो जज नहीं है, वो जज बनकर नहीं आता, वो माँ और पिता बन के आता है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। पर माँ और पिता कभी अपनी संतान को सजा नहीं देते, केवल दया ममता। पुत्र कितना भी नालायक हो, कितना भी नीच हो, लेकिन माँ और पिता उनके पास ममता ही है, प्रेम ही है। लेकिन सतगुरु तो इनसे भी ऊपर है, ये तो हमने अपने शब्दों से उससे संबंध बनाए हैं, तो माँ है, तो पिता है, तो बंधु है, तो सखा है, ये तो हमारी सोच ने संबंध बनाए, पर वो इनसे भी कहीं ऊपर है, केवल क्षमा करने आता है। जिसने उसको सूली पे भी टांगा ना, उसको भी क्षमा कर दिया प्रभु, इसे क्षमा क्षमा कर। किसी ने जहर का प्याला भी पिलाया, उसको भी क्षमा किया, उसके पास क्षमा है, क्योंकि वो दाता है, केवल देने आया देने। हमारा दुर्भाग्य है, हम ले भी नहीं पाते। इस सृष्टि जब से बनी है वो आता रहा है, देने ही आता रहा, लेकिन हम ले भी नहीं पाए। लेकिन उसने आना बंद नहीं किया, वो आ रहा है, आज भी आया, देने ही आया, कुछ लेने नहीं आया। भगवान कृष्ण देने ही आए थे, अर्जुन को समझा रहे कि तू कर्म कर, तू युद्ध कर, तू धर्म के आधार पर खड़ा हो, देने ही आए थे। वो जीत कृष्ण की थी, जो अर्जुन के मस्तिष्क पे सेहरा बनाकर बांधी उसने, वो देने ही आए थे, हम ले नहीं पाते। वो जानता है कि हमारे कर्मों की गठड़ी कितनी भारी है, वो जानता है कि हमारे जीवन का इतिहास क्या है, हमारे अनेक जन्मों की किताबें ग्रंथ भरे पड़े अंदर, जिसको हम जीवन में पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं वहां होता, हमारा ध्यान वहां तक जाता ही नहीं कि हम अपनी जिंदगी की कहानी को कभी पढ़ पाए। वो संसार एक दलदल है, उस दलदल में उतर जाता है, उसकी चमक दमक खिले हुए फूलों को तोड़ने के लिए।
लेकिन वो धीरे धीरे धसता चला जा रहा है, उसको मालूम नहीं, क्योंकि विषय और विकारों का इतना आकर्षण है। और प्रभु इस बार अगर धस गया तो फिर मौका बहुत मुश्किल है। वह संसार की दलदल, संसार की दलदल क्या है? आज हर इंसान एक दलदल में तो है, सुबह से शाम बाहर देखो, बंधन ही बंधन है, दुख ही दुख है, भागते ही रहती हो, कहीं भी शांति नहीं है। और कहीं अंदर चले जाओ, अंदर भी इतने कर्म, इतने दोष, इतने गुना, इतने पाप, इसलिए मनुष्य अंदर देखने की कोशिश ही नहीं करता। इस इंसान जो बिल्कुल पशु बना हुआ है, जिसके अंदर पशुता इतनी भरी है, इतनी पाशविकता भरी है, भगवान शुक्र है प्रभु ने सबके पर्दा डाला हुआ है। अगर सबकी कमियां बाहर निकल आए ना, तो इंसान इंसान को देख नहीं पाएगा, पशु भी इंसान के नजदीक नहीं आ पाएंगे कि ये इतना नीच है, इतना गुनाहगार है, क्योंकि इसने जीवन भर गुना करके छिपाए, केवल दबाए, और दबते दबते उसमें भयंकर सड़ांध पैदा होती है जो हमारे व्यवहार और कर्म में झलकती है। प्रभु दया करके पकड़ता है कि वो एक बंद पिंजरे के अंदर एक तोते को निकालना चाहता है, निकल और खुले आकाश में घूम, लेकिन वो तोता उसी का हाथ काटने आता है, क्योंकि उस तोते को पिंजरे से इतना मोह हो गया, वो अपने उड़ने की शक्ति भूल गया। वो उसको बाहर निकालता है, वो तोता घूम के फिर उसमें घुस जाता है पिंजरे में, क्योंकि उसको पिंजरे से इतना मोह हो गया। फिर महापुरुष पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि वो दया करने आए हैं, निकालने आए हैं, फिर वो पिंजरा ही तोड़ देते। महापुरुष जब आते हैं यही काम करते हैं, वो हमें उस एक अपने से जोड़ते हैं, उससे जोड़ते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए, हर रचना उनकी शिष्य के कल्याण के लिए, कि इसका भला हो, इसका कल्याण हो, लेकिन शिष्य शिष्यत्व की परिभाषा को ही नहीं समझ पाता। शिष्य जिसने सीखना है, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक सीखना है, शिष्य कभी शिक्षक बन जाए तो भयंकर गलती हो जाएगी। और मनुष्य के मन में एक ही स्वभाव बना है कि मुझे समझाना है, मुझे बताना है, शिष्य शिष्य रहे तो काफी है। पहले तो वो शिष्य उस अध्यात्म की विद्या में, उस अध्यात्म के स्कूल में दाखिल होता है। ये अध्यात्म का स्कूल गुरु घर है। अब शिष्यत्व का जो मार्ग है, मंजिल बहुत दूर है और समय भी बहुत कम है, और शिष्य जो है अचेत है, बेफिक्र है। क्या हमारा हाल नहीं है ये? हम कितने बेफिक्र हैं, हमें अपने मंजिल के प्रति कितना गंभीर होना है। इसलिए वो शिष्य को सेवक के स्वरूप में बदलता है, हर शिष्य को वो सेवा में लगाता है। ये उसके कल्याण करने का तरीका है, ये उसकी रचना है। वो जानता है कि मुझे इसको दलदल से, नरक से कैसे निकालना है। एक छुरी बहुत तेज है ना, हल्की सी प्याज काटते हुए, सब्जी काटते हुए लग जाए तो उंगली कट जाती है, धार बड़ी तेज है। अगर धार कुंठित हो जाए तो थोड़ी बहुत लग जाए तो नुकसान नहीं करती। कर्मों की धार भी बड़ी तेज है, सतगुरु उसकी धार को कुंठित करने के लिए हमें सेवा में लगाता है। तुम सेवा में लग जाए, हर व्यक्ति को सेवा में लगाता है, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो कर्म हमने किया ना, बड़ी तेज धार है, इन कर्मों ने तो अनेक जन्मों बाद द्रौपदी को भी नहीं छोड़ा, भरी राज्यसभा में अपमानित होने के लिए ऐसी परिस्थितियां बना दी कर्मों ने, लेकिन उस कर्म की धार द्रौपदी की भक्ति ने, सेवा ने कुंठित कर रखी थी, इसलिए उसका बचाव हुआ। सतगुरु सेवा इसलिए नहीं कराता कि उसके लिए हम कुछ करते हैं, मन से निकाल दें। इस संसार के अंदर जब महापुरुष आते हैं ना, अपना लक्ष्य सिद्ध करके आते हैं, पूरा करके आते हैं, जीत के आते हैं,
भगवान राम ने चाहे रामेश्वरम का पुल बनाया, चाहे भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तू लड़, वो हमारे भरोसे नहीं आते कि शायद उनका हम काम करेंगे। अर्जुन जिद करता है, प्रभु मैं नहीं लड़ सकता ना। भगवान कृष्ण ने अंतिम में दिखा दिया, मूर्ख ये युद्ध तो पहले से ही जीता हुआ है, सब तो पहले से मरे हुए, तू किसको मारेगा, काम तो पूरा है, तुम क्या करोगे, ये तो तेरे लिए, तेरे भले के लिए, तेरे कल्याण के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए, इस जीत का सेहरा केवल तेरे मस्तिष्क पे बांधना चाहता हूं और कुछ नहीं। उसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं, हम अपने कर्मों की धार को कुंठित कर ले इतना ही काफी है, हम अपने बोझ को कम कर ले इतना ही काफी है, हमारा ध्यान अपने पर बना रहे इतना ही काफी है, हम अपनी जिंदगी की किताब को पढ़ सकें इतना ही काफी है। कम से कम हमें एहसास तो होगा, हमें कर्म का बोध तो होगा कि मुझे कर्म की ओर चलना है। कोई भक्त जब सेवा करता है ना, तो उसके मन में बहुत सम्मान भी आने लगता है। सेवक क्यों कहा गया, सेवक एक गुणवाचक नाम है, सेवक जिसके अंदर सेवा का शौक है, सेवा की लगन है, सेवा का जनून है, जिसमें भाव है, वो सेवक। भगवान कृष्ण अर्जुन को वो सेवक, वो भाव पैदा कर रहे हैं सत्संग के द्वारा, समझाकर, फिर दिखाकर, यही कार्य महापुरुष करते हैं। वो हमारे भरोसे नहीं आते, वो किसी के भरोसे नहीं आया, ना हमारे ना आपके, कि हम सत्संग करेंगे और आप सेवा करेंगे, हमारे भरोसे नहीं आया। ये नहीं भी होगा तो भी वो लक्ष्य को जीत के आया। दुर्भाग्य हमारा है कि हम अपने कर्म से इंसाफ नहीं कर पाते, हमें संतुष्टि नहीं होती अपने कर्म से, क्योंकि सेवक का कर्म और सेवक का धर्म बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, और सेवक बने बिना उसके बीच में मिला नहीं जा सकता। जैसे नदी के पानी को किनारे बांध कर ले जाते हैं सागर तक, ऐसे सेवक की मर्यादाएं, सेवक की सीमाएं इस जीव को बांध कर सागर तक ले जाती है। जो पानी बंधने के लिए तैयार नहीं, वो कभी भी सागर तक नहीं पहुंचेगा, सड़ जाएगा, सड़ांध आने लगेगी। ये उपकार है उन किनारों का जो बांध कर ले जा रहे हैं। सेवक के गुण होते हैं, कोई भी चीज की कीमत उसके गुणों के कारण से होती है। फूल में गुण है, सुंदरता है, खुशबू है, इसलिए इसकी कीमत है। ऐसे भी बहुत से फूल जंगलों में होंगे, ना तो उसकी खूबसूरती है, ना सुंदरता है, ना खुशबू है, उसकी कीमत नहीं है। जिस सेवक के अंदर सेवक का धर्म और सेवक का कर्म क्या है, ये गुण नहीं है तो वो सेवक नहीं है। कबीर ने कहा, कहे कबीर सो सेवक नहीं, चाहे चौगुणा दाम। कोई कुछ करके उसके बदले में कुछ कुछ भी, वो सेवक नहीं है, वो व्यवहारी है, व्यापारी है, सेवक नहीं है। बहुत कमी है, भरे पड़े हैं गुण कोई नहीं। ये तो प्रभु ने पर्दे डाले हुए हैं, इसलिए एक दूसरे के गुणों का थोड़ा हम मेल जोल करते हैं। गुण कोई नहीं, अवगुण ही अवगुण है, गुना ही गुना है, उसके सामने गर्दन उठाने के भी काबिल नहीं है। हमें विचार करना है, ये रास्ता बहुत लंबा है, इस रास्ते पे, इस पथ पे बहुत कुछ होना बाकी है, हमें उसी के लिए अभी से तैयारी करनी है। ये उसकी कृपा है कि उसने इस रास्ते पे लगाया, उसकी कृपा का कैसे मूल्य चुका सकते हैं। कोई विकल्प नहीं है इसका, कोई विकल्प नहीं, केवल एक जो गुरु को प्रसन्न कर सकता है, प्रभु को प्रसन्न कर सकता है, वो एक ही विकल्प है। सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हर लेत। आपके घर में कोई नौकर हो ना, आपको खाना बना के खिलाए, पानी पिलाए, देखभाल करे, आपके कपड़े धोए, और आपको सोती दफा कहीं आकर आपके चरण सेवा भी करे ना, आप कितने भावुक हो जाते, चाहे आपकी औलाद आपको ना पूछे, आपके भाव उसके लिए कितना कोमल हो जाते हैं, कितना प्रसन्न आप हो जाते हैं। और जिस वक्त वो जाता है ना अपने घर को,
अब भावुक होकर उसके विदा करते हैं, उसकी तनख्वाह भी देते हैं, उसको इनाम भी देते हैं, उसको बहुत सारी चीजें देते हैं। किस चीज से प्रसन्न हुए? सेवा से। सेवा से। सेवा ऐसा एक मंत्र है जो इंसान तो क्या भगवान को भी खुश कर सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा एक मंत्र है। श्री गुरु महाराज जी कभी कभी एक कहानी सुनाया करते, आपने भी सुनी होगी, मिरालप्पा की। वो आश्रम में बर्तन मांजते थे, बड़ी दफा सुनी होगी, लेकिन उसकी गहराई तक कभी उतरने का प्रयास उतना गंभीर और ईमानदार नहीं रहा होगा। सुनी जरूर होगी। आश्रम में रहकर किसी से प्रेम नहीं मिला था, तिरस्कार। गुरु घर के अंदर पूर्ण दरबार है, सब तरह के लोग हैं, कमियों से भरे हुए लोग हैं। ये कोई सजे संवरे लोग थोड़ी हैं। हम कोई सजाने संवारने के लिए तो उसने अपनी कक्षा में भर्ती किया। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत मनुष्य के संभाल के रखे हुए हैं अपने पास, संपत्ति बनाकर। ऐसे तब भी थे। मिरालप्पा को एक सेवा देगी बर्तन मांजने की। उसको पागलपन था, जनून था कि मुझे जो भी काम मिला है मैं अपने आप को मिटा दूं इस कार्य में, इस कर्म में। कभी कभी वो आंखें उठा के देख लिया करता था श्री गुरु महाराज जी बाहर निकले बड़ी दूर, बड़े शिष्य उनके आसपास। कभी कभी मन में आता था कि सदगुरु तेरी नजर भी कभी मुझ पे पड़ेगी, क्योंकि वो तो साहस ही नहीं करता था कि मैं उठ के वहां तक जाऊं। अपने आप को इतना हीन समझता था। गुरु साहब की वाणी है ना, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, सतगुरु संग हम कीड़े, हम कीड़े हैं कीड़े। एक अनाथ बालक को जिसका कोई नहीं था, जो दर दर की ठोकरें खा रहा था, उस बालक को श्री गुरु रामदास जी महाराज चौथे गुरु बना दिया श्री गुरु अमरदास जी की कृपा ने। हम कीड़े, तुम थापे, तेरी थापना तेरे प्रेम ने, तेरे सानिध्य ने, तेरे आशीर्वाद ने। पर वो आशीर्वाद का प्रसाद मिला कैसे? कभी इतिहास पढ़ना श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का, कि गुरु की सेवा के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। आज मेरा लप्पा बर्तन मांज रहा है, आंखें भी नहीं उठा रहा, आंखें भी बर्तन में लगाई हैं कि कोई दाग तो नहीं रह गया। कहीं हम देखें अपनी तरफ, सेवा में लगे होते हैं, कभी गुरु आ जाए, हमें सेवा का पता नहीं है कि छोड़ के हम भागते हैं पीछे। क्या खराब हो गया, क्या टूट गया, कोई चीज क्या है, हमें कर्म का ही बोध नहीं है अभी। सेवा करना तो भी बड़ी दूर की यात्रा है, चलते चलते समझेंगे सेवा क्या होती है, उसके उपकार को समझेंगे कि उसने कितना बड़ा उपकार हम पर किया है, वो कितना बनाना चाहता है सेवा देकर, अभी वो पकाना चाहता है आग में डालकर। तभी सेवक बनेंगे, तभी गुण आएंगे वो शीतलता के, जब मटका आग में पड़ेगा। अभी तो मिट्टी का बना रहा है सुंदर, बड़ा हमें मान मिलता है, बड़ा हमें शोभा मिलती है। अभी तो मटका सा बनाया और थोड़ी थोड़ा थपा उसने, छोटा मोटा कोई दुख संकट आया, वो थोड़ा थोड़ा बनाया, हम सोच लिया कि बन गए। अभी नहीं, अभी आग में पड़ना बाकी है। वो वक्त कैसा होगा, वो पल कैसा होगा। गुरु हमारे कर्मों की धार को कुंठित करता है इस तरीके से, चोट मार मार के। मेरा लप्पा जीवन गुजर गया, बर्तन मांजते हाथ गल गए, बर्तन मांजते जिंदगी जीना, सुबह रात शाम केवल बर्तनों के भरे, बड़े बड़े पतीले, बड़े बड़े जो आश्रम के होते थे उसके पांव गल जाते थे, सर्दी गर्मी बरसात। उसकी जिंदगी का जनून था बर्तन, उसकी जिंदगी का लक्ष्य था बर्तन। इसको मैंने मांजना है। कोई उसे देखता भी नहीं, कोई प्रेम से बात भी नहीं करता था, जो भी मिलता था तिरस्कार करता था। अब ये अभिशाप है या वरदान गुरु का? समय बीता, गुरु ने शरीर छोड़ने का समय आया तो अपने प्रिय शिष्यों को, जिनकी बड़ी आशाएं रही होंगी, उनको बुला के कहा, भाई ये एक पत्र है, मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मेरी इच्छा जो मैंने वो व्यक्त की है इसमें भरी, इस पब्लिक के बीच में, उसको पढ़ के सुना देना। सारी पब्लिक, सारी दुनिया, सारी संगत, सब प्रेमी शिष्य सब इकट्ठे हुए, नम आंखों से, और कुछ स्वार्थी अधिकार पाने के भूखे, मैं शब्द कठोर
इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि हमें सीधा सीधा समझ आए। वो शिष्य जो केवल अधिकारों को छीनने का ही केवल प्रयास है, कि अधिकार कुछ बनना, ऐसे शिष्य भी होंगे जो गुरु के आसपास सब अपने अपने अंदाज और कयास लगा रहे हैं कि यहाँ का कार्य संचालन दिया होगा, लिखा होगा, इसके बारे में सब अपना अपना, क्योंकि कुछ लोग सेवा के बदले में कीमत लेते हैं, कागज के नोटों की नहीं, किसी दूसरे रूप में, शायद ऐसा हो जाए, शायद मान, शायद सम्मान, शायद कोई नाम, ये भी तो कीमत ही है। वक्त आया, पत्र खुलने का समय आया, मेरा लप्पा बर्तन मांज रहा है। उसकी जिंदगी में शायद बर्तन मांजने के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन जिस वक्त वो पंक्ति पड़ी गई जो एक ही थी कि मेरे देह त्याग के बाद मेरे इस महान मिशन का कार्य संचालन मेरा प्रिय शिष्य मेरा लप्पा करेगा, सुनने वालों की क्या हालत हुई होगी और मेरा लप्पा ने जब सुना तो उसकी क्या हालत हुई होगी, कोई बयान नहीं कर सकता, अंदाजा लगाना मुश्किल। रो रहा है, बर्तन मांज रहा, रो रहा है कि मेरे कानून से मुझे धोखा तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, सतगुरु आप ऐसा नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े सेवादार, कहीं पढ़ने वाले को गलती हुई, और उन स्वार्थी लोगों ने जो अधिकारों को छीनने की ही केवल चाह रखते थे उनके मुंह लटक गए, उनके अंदर ईर्ष्या भभक कर भड़कने लगी, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता, वो ऐसा कैसे कार्य, अनेक प्रश्न उठने लगे, अंदर ही अंदर धुआं उठने लगा, और मेरा लप्पा को उन बर्तनों में से उठाया गया और उसे कहा गया जो उसने सुना था वो ही सुनाया गया। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे, कहा मैं नीच से नीच, तू ऊंच से ऊंच, कहीं बीच में कोई तालमेल ही नहीं है, ये कैसे। ये घटना घटी सेवा के प्रेम से, सेवा की लगन से, और उसके बदले में कुछ चाहा नहीं कि कोई मुझे जी करके सम्मान दे के बोले। ये हमें सीखना है, अभी बाकी है ये सीखना। हम तो कुछ करते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम कोई प्यार से तो बोले, व्यवहार तो ठीक है, लेकिन सेवक को तो ये भी आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु ने बुल्ले शाह को धक्के मार मार निकाला था आश्रम से बाहर, केवल उसके कर्मों की धार को कुंठित करने के लिए और कुछ नहीं। आज हमें कोई सम्मान से ना कहे तो हम बिखर जाएंगे। सेवा का धर्म कितना कठिन है ये हमें समझना होगा, आज समझे, 10 साल बाद समझे, जीवन के अंतिम श्वास में समझे, तभी सेवा सार्थक होगी। सेवक कैसे नहीं, हनुमान सेवक बना, लेकिन उसके इतिहास को तो देखें, उसके सेवक के समर्पण को तो देखें, अनेकों अनेकों उदाहरण है। मेरा लप्पा बहुत रोए, उसके आंसू नहीं सूख रहे, सारी रात बैठा रो रहा है, याद कर रहा है, सतगुरु मैं क्या सोचता था, मैं सोचता था गुरु मुझे देख भी नहीं कभी रहे, मैं सोचता था कि मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा कि गुरु को मैं पास से देख लूं, दर्शन कर लूं, ये क्या हो गया। उसे एहसास हो रहा, गुरु तू मेरे इतना नजदीक था, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध बाहर का शरीर का नहीं है, शरीर तो भूल भुलैया है, ये कर्म और भावनाओं का संबंध है। गुरु और शिष्य अंदर से नजदीक आते हैं कर्म के द्वारा, समर्पित भावनाओं के द्वारा, बाकी तो सब व्यवहार है, व्यवहार है, अभिनय है, अभिनय। मनुष्य अभिनय करता है तो भगवान भी अभिनय करता है, सतगुरु भी करता है। आप जिस अभिनय को करके गुरु के पास जाते हैं ना, बड़ा अभिनय करते हैं, कैसी कैसी बातें, क्या क्या, हम एक्टिंग करते हैं। वो देखता है कि जो ये वास्तविक चीज है, वास्तविक रूप है, उसको छुपा रहा है, तो वो भी अभिनय करने लगता है, वो भी हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। लेकिन सतगुरु की दृष्टि होती है ना, एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज स्कैनिंग करते हैं, एक्सरे कभी देखा, हड्डियां कंकराल नजर आते हैं एक्सरे, मनुष्य कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, कभी उसका एक्सरे देख लो, घिन आ जाएगी। और सतगुरु की दृष्टि एक्सरे है, स्कैनिंग करती है, वो आंखों से स्कैनिंग कर लेता है कि ये मेरे सामने क्या मुझे इंसान समझ रहा है,
और वो स्कैनिंग करता रहता है और हंसता है, हमारी हाँ में मिलाता है। इसीलिए कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। जिन भावनाओं को लेकर आप उसके सामने जाते हो वैसा ही, लेकिन वो सेवक बनाना चाहता है, सेवक। वो अपने कोई पांव नहीं दबवाता आपके भले के लिए, परमार्थ और पुरुषार्थ की एक लाइन खींचना चाहता है, एक किनारे बनाना चाहता है कि जिसके अंदर बहते हुए चले जाओगे सागर के पास और मिल जाओगे, गिर जाओगे, रुक जाओगे, ठहर जाओगे और सागर बन जाओगे और अपनी मलिन गंदगी खो दोगे, सागर बन जाओगे। मेरा लब पर रो रहा है और सुबह होने वाली सुबह में उसको श्री गुरु महाराज जी का कार्यभार संभाल के संगत को कुछ संदेश देना था, वो क्या देगा। उसके सामने श्री गुरु महाराज जी प्रकट हो गए, सिर पे हाथ रखा, पुत्र रो नहीं, तो सोचता था ना कि तू मुझसे बहुत दूर, तू मेरे पास कभी नहीं, मैं तो तेरे बहुत पास था, क्योंकि तेरे कर्म में जो समर्पण था, जो तेरे कर्म की गहराई तक डूब गया था, तूने कभी आंख उठा के भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं भी कभी जाऊंगा गुरु के, इसलिए मैं तेरे ही पास था, मैं हजारों आंखों से तुझे देखता था, तेरे कर्म को देखता था, इसलिए तू ही से योग्य था, तेरा ही निष्काम कर्म था जिसमें कोई कामना नहीं थी, मिटने की भावना थी। मनुष्य के कर्म के पीछे कहीं भी सकाम भाव है, चाहे उसे नाम का हो, इज्जत का हो, सम्मान का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, तो समझ लेना वो कर्म वो बीज कभी फटेगा नहीं, उसका खोल इतना सख्त है और वो कभी गुलजार नहीं बन पाएगा। प्रेम से समझाया और कहते कि नहीं, तू चिंता नहीं कर महाराज, बड़े बड़े विद्वान, मैं उनके सामने कैसे बोलूंगा, मैं क्या, नहीं तूने केवल खड़े होना है, बाकी सब कुछ मुझे करना है। जिस वक्त मेरा लप्पा भीगी हुई आंखों से खड़ा हुआ तो सब मजाक के तौर पर ऐसे अनेकों लोग थे, देख रहे थे अब ये होगा, अब पता लगेगा, लेकिन पता क्या लगेगा, गुरु प्रकट हो गया उसकी देह में, उसके रोम रोम में। वो बोला, कैसी प्रेरणा छिपी है इस कहानी में हमारे लिए, हम कहीं नहीं ठहरते, बहुत दोष है, बहुत कमियां हैं, कौन सा दोष है जो हमारे अंदर नहीं है, हम शिष्य हैं, जिंदगी के अंतिम श्वास तक सीखना है, सीखना, हमारा प्रयास सिखाने तक क्यों जाता है। और वो सबको सिखाने आया, वो गुण, वो खुशबू भरना चाहता है उस फूल में, जिसकी खुशबू के कारण उसकी कीमत दुगनी हो जाती है, ये खुशबू है गुणों की। अष्टावक्र जब दरबार में आ रहे थे तो बड़े बड़े विद्वान हंसने लगे, तो उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन ये नीच लोगों की सभा बनाई है, तुम तो विद्वानों की सभा कहते, इनको तो चमड़ी का ज्ञान है, ये मेरे रूप को देख के हंस रहे। अष्टावक्र गुरु थे राजा जनक के गुणों के कारण, गुण, शबरी को भगवान कहते हैं कि ये सुंदर स्त्री, गुण थे सुंदर, गुण है श्रृंगार। आप सजते हो ना नहाने धोने के बाद, शीशे के सामने खड़े होकर सजते हो, कहीं बुरा ना लगूं, अच्छा लगूं, अच्छा दिखूं, लेकिन अगर उसी सूरत के साथ गुरु के सामने आ गए तो भेद खुल जाएगा, क्योंकि वो आपकी सूरत को नहीं देखता, सीरत को देखता, सीरत को। श्रृंगार हम बाहर से करते हैं सुंदर दिखने के लिए, लेकिन सतगुरु गुणों का श्रृंगार पसंद करता है, खुश होता है। अपने भक्त को, अपने शिष्य को, जैसे एक बाप खुश होता है अपने पुत्र की उपलब्धियों से, ऐसे सतगुरु भी बाप है, पिता है, वो खुश होता है जिस वक्त हमारे अंदर वो गुण, जो गुण हमें सेवा करने से मिलेंगे, क्योंकि उसने अवसर दिया, मौका दिया। क्रिकेट की एक ग्राउंड होती है, खेलते हैं किस लिए, जीतने के लिए, और जी जान लगा के खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, गिर जाएं, टूट जाएं, कोई चिंता नहीं, केवल उस बॉल को पकड़ना है, बाउंड्री के बाहर ना चली जाए। उस सतगुरु ने भी हमें खेलने का मौका दिया, एक अवसर दिया। हिंदुस्तान में हजारों लोग क्रिकेट खेलते हैं,
लेकिन इंटरनेशनल टीम में सबको मौका मिलता है? कुछ चंद लोग होते हैं, पूरे हिंदुस्तान से चंद लोग होते हैं, उनको देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। और जब वो खेलते हैं ना, जान लगी होती है, मिटने की भावना, केवल जीतना है। सतगुरु ने हमें वही फाइनल खेलने का मौका दिया है। लीग मैच नहीं है, ये फाइनल मैच है। 84 लाख योनियों के बाद ये मौका मिला है खेलने का, सेवा का। और हम खुशकिस्मत हैं, मैंने आपको शुरू में कहा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमें मौका मिला है इस टीम में खेलने का। ये मैच वो देख रहा है, मल्टी कैमरा से देख रहा है कि कौन कितनी लगन से खेल रहा है, कौन जीतने के लिए खेल रहा है, कौन अपने नाम के लिए खेल रहा है, कौन व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए खेल रहा है, और कौन लक्ष्य के लिए खेल रहा है। वो देख रहा है निस्संदेह। जो सत्य के साथ खेलता है, जो ईमानदारी से खेलता है, जो कर्म को समर्पित होकर खेलता है, सत्यमय जायते, निश्चित जीतेगा, निश्चित। लेकिन जो लगन से नहीं खेलेगा वो हारेगा। इसलिए सेवक बनना है, और सेवक का धर्म सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी सेमते मुंह मांगा फल देत। उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर की भाषा को, हृदय की भाषा को, भावनाओं की भाषा को जानता है। सज्जनों, सेवक बनने का हमें भी अवसर मिला है, और मौके का लाभ जिस व्यक्ति ने नहीं उठाया वो हमेशा पछताया, हमेशा। बाप चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी बढ़िया बने, जो कोई कमी ना रहने दूं मैं। कबीर ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान। कहता बहुत अंतर है, बहुत। जो पारस है ना, किसी लोहे को छुआ दो तो वो सोना बन जाता है, लोहे की कीमत को कई गुना बढ़ा देता है, सोना बन जाता है। पारस में ये गुण है, ये उसके स्पर्श में ये शक्ति है। पारस लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। गुरु ने मेरा लप्पा को बिठा दिया ना वहां, यहां तक वो सोच से बैठा है। कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है, शायद हमें कर्म के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है। महाराज जी कभी शब्दों में कहते, उठो जागो कुछ कर दिखाओ। आप वाहन नहीं है, ये हमें चोट नहीं मारता वो शब्दों की, कर्म को समझो। पाने के लिए नहीं, मिटने के लिए। जितना मिटोगे उससे कई गुना वो बनाता रहेगा। बस यही एक चैनल चलता है। हनुमान जी अपने गुरु के चरणों में बैठे हैं, सिर झुकाए, केवल आज्ञा का इंतजार है। पूजनीय हो गए प्रभु के उस मूर्ति के बराबर में हनुमान जी की भी मूर्ति है, साहिब के साथ सेवक की भी मूर्ति है। तभी तो किसी ने बहुत सुंदर लिखा, साहिब ते सेवक बड़ो। जैसे सहजों ने कह दिया, चरण दास पर तन मन वारूं। चरण दास उसके गुरु थे, वो उस गहराई तक उतर गई थी तो उसके अंदर से शब्द निकले, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु ना तजूं हरि को तज डारूं। कैसी गहराई होगी गुरु के प्रति उसके। हनुमान जी भी आज पूजनीय है, तो उसके संबंध में लिखा साहिब ते सेवक बड़ो। सेवक बड़ा हो गया, सेवक कभी बड़ा तो नहीं हो सकता। ये तो किसी की भावनाएं हो सकती हैं, ये किसी की प्रसन्नता हो सकती है। जिस भी महापुरुष ने लिखा, कहता साहिब ते सेवक बड़ो। कौन सेवक बड़ो है? जो निज धर्म सुजान, जिसको सेवक के धर्म का बड़ी समझदारी से ज्ञान हो गया है कि सेवक का धर्म क्या है। उस सेवक के लिए कहा गया, हमारे जैसे सेवकों के लिए नहीं। प्रेरणा है, एक हमारे मुंह पे एक तमाचा है, शब्द बड़ी गहरी चोट मारते हैं। जो बोली है ना, ये गोली से भी ज्यादा गहरी चोट मारती है। जो निज धर्म सुजान,
जिसको जिस सेवक को अपने धर्म का कर्म का पता वो साहिब से भी बड़ा है। क्यों? उत्तर भी लाइन में दिया दूसरी में, राम बांध उतरे उदद लांग गए हनुमान। भगवान राम को तो लंका में जाने के लिए पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, बहुत मेहनत से पुल बनवाया था क्योंकि प्रभु ने जाना था, लेकिन उसके भक्त को पुल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उड़ के चला गया, सीधा लंका में उतरा। यह शक्ति किसकी थी? गुरु की। गुरु मान देता है, प्यार है, वो करुणा के कारण आया है, वो कुछ लेने नहीं आया, देने आया है। क्या किस रूप में देता है, कब देता है, कितना देता है, कहां देता है, ये वो जानता है। आपकी समझदारी से, आपके मांगने से नहीं आपको देगा, उसको मालूम है कि किस वक्त इसकी जरूरत है। से पिता रिकरिंग डिपॉजिट करता है, मेरा पुत्र जो है ना इतना पढ़ाई करेगा, उसके बाद में कुछ करना भी है, इसकी शादी भी करनी है, इसका घर भी बनाना, उसने कितना कुछ सोचा हुआ है, लेकिन वो पूरा तो तभी होगा ना जब पुत्र पुत्र धर्म का पालन करता रहेगा। पिता की समस्त जागीर का वही तो मालिक है, और कौन है। लेकिन जो जो बेईमानी करेगा उसका हश्र 84 लाख योनियों में यातनाओं को सहना पड़ेगा। वो उससे ज्यादा चिंतित है कि मैं कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। उसके लिए वो कर्म देता है कि तू ये कर, तू ये कर। जब कभी भी महाराज जी के अपने प्रवचन सुने होंगे, एक ही चीज सुनी होगी, करो सेवा करो। हम सोचते हैं हम सेवा करेंगे, क्या सेवा करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। यह भी उसकी कृपा है कि वो मौका देता है, वो कृपा करता है। वो अंदर के हमारे श्वास चलने फिरने, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बीमार जब वो सेवा में आते कैसे चल पड़ते हैं, कितना शरीर उनका चलने लगता है, जिनके अंदर सच्ची भावना होती है, ये कृपा है। समझना होगा शिष्य को अपने धर्म को, अपने कर्म को। हमें तो थोड़ा सा कोई कुछ कह देना तो हम कई दिनों तक दर्शन नहीं देते आगे, ये हमारी सोच है। क्योंकि जो हमने अभिमान की दीवार बनाई है ना अपने ही हाथों से, शुभ कर्म किए, सेवा की निश्चित, लेकिन साथ साथ एक एक ईंट लगा के दीवार बनाई, बड़ी सुंदर लाइनें खींच खींच के उसे देख देख जी रहे हैं। कोई उसे चोट मार दे ना, एक ईंट भी हिलाने की कोशिश करे तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन सतगुरु इसको पूरी की पूरी को तोड़ देना चाहता है, इसलिए वक्त वक्त पर चोटें भी मारता है। भक्त के जीवन में भी दुख सुख आते हैं, काहे की घबराहट, संसार नहीं दुख सुखों से गुजरता हमारे, क्योंकि वो पूरी की पूरी दीवार को नीम से निकालना चाहता है। देवे किन का दर्द का दर्द भी देता है, लेकिन उस दर्द के पीछे बहुत बड़ा सुख है। देवे किन का दर्द का टूटा जोड़े तार, दादू सादे सुरत को सो गुरु पीर हमार। ऐसा पीर, ऐसा मेरा गुरु है जो मेरे समय समय पर इंजेक्शन ठोकता रहता है कि मैं अपनी दिशा ना भटकूं। कुंती ने दुख मांगे, भगवान से मौका मिला मांगने का तो दुख मांगे, मेरा लक्ष्य ना भटक जाए, मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं, मेरे कदम बहक ना जाएं। ये सेवक की, ये शिष्य की सोच है, उसका कर्म है, उसका धर्म है। हनुमान जी को रोका, मैनाक पर्वत ने, रुक जा, वो कहते मैं राम के काम से जा रहा हूं, मुझे आराम कहां। हमें एनालाइज करना होगा, हमें चिंतन मंथन जरूर करना होगा, क्योंकि हमें वो बनना है, हमें अवसर मिला है, हमें खेलने का मौका मिला है, और जीत हमारा इंतजार कर रही है। केवल हमारे कर्म की कमी है जो हमारे कदम नहीं उठने देती। कितना दुर्भाग्य है, कैसे हमें पता लगेगा, कैसे हमें बोध होगा कि हम जिंदगी के किन क्षणों को खो रहे हैं, कैसे एहसास होगा। इतनी कृपा बह रही है, जिंदगी का मटका उल्टा पड़ा हुआ है, उल्टा। सहनशीलता, ये श्रृंगार गहना है, गहना। एक औरत गहने पहनती है ना, कांटे, ये टीका, हार, नेकलेस, ये कितनी दुल्हन बन जाती, सुंदर, कितनी सुंदर लगती है। श्रृंगार है, गहने हैं जो चमक रहे हैं, ये गुणों के भी गहने होते हैं।
जब मन का श्रृंगार करते हैं, आत्मा को सुंदर बनाते हैं और प्रभु फिर वरण करता है इसका, सहनशीलता। हम सब सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, भगवान शिव ने विष पिया, शिष्य को भी विष पीना होगा, क्योंकि हम सेवादार बनना चाहते हैं, सेवक के गुण हमारे बीच में आए। संशय भी बहुत है। इतना महान मार्ग है, हम अपनी समझ और छोटी सी निकृष्ट बुद्धि से समझ लेना चाहते हैं, मन में बहुत से शंके आ जाते हैं। हम तो इतनी सेवा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, जीवन में ऐसा क्यों हो गया। और कुछ नहीं तो हम कहते हैं कि वो ये करता है, फलां ने ये किया, उसने मुझे ऐसे कह दिया। हम अपने कर्म से, अरे ये कैसे कर्म योगी हैं हम, ये कर्म है। हमारा लक्ष्य है गुरु और हमारा कर्म है कदमों का उस ओर चलना। हमारे कदम रुक तो नहीं रहे, बढ़ रहे ना निरंतर। अपनी नजर अपने कदमों में हो कि कदम रुके तो नहीं, कर्म रुका तो नहीं। ध्यान लक्ष्य पर और कर्म पर की आवश्यकता है। सहनशीलता, कर्मण्यता, कर्म प्रायणता, कर्म के प्रति डिवोशन, समर्पण और शंका रहित कर्म। शंका तभी होगी जब लक्ष्य से ध्यान हटेगा, दाएं बाएं पीछे, तो जरूर आपके कदम बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। शंका आती ही तब है जिस वक्त मन शैतान हमारे ध्यान को भटकाता है, हमारे कदम बहक जाते हैं और शंका की जो बेड़ी है वो हमारे कदमों को पकड़ लेती है। सेवा इन सब बंधनों को काटेगी, लेकिन सेवक बनना है। सेवक के जीवन में विनम्रता, प्रेम भी होना चाहिए। हम कर्म करके तो क्या, हम तो जुबान से भी किसी को सुख नहीं दे पाते। ये जुबान भी हमारी तलवार की तरह चल जाती है और कितने जख्म कर जाती है हमें पता ही नहीं चलता। सेवक का ये भी एक गुण होता है, विनम्रता, प्रेम। यही सुंदरता है, यही श्रृंगार है। कहते ना कि झुकते हैं वही जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। इन सब चीजों को अंदर जाने दो ताकि अंदर कुछ हिलजुल शुरू हो, कोई चिंतन मंथन शुरू हो, हम कुछ अपने लिए सोच पाए कि मुझे क्या बनना है, मुझे अपने जीवन को कैसा बनाना है, मेरे अंदर छिपे हुए जो दोष हैं, जो अंदर कांटे चुभे हुए हैं, शायद इन शब्दों के कांटों से वो निकल पाए कहीं। ये हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रेम, प्रेम की भाषा कम से कम हमारी जुबान पे तो आए, और प्रार्थना से हमारे कर्म और व्यवहार में भी जरूर उतरेगी। इसलिए सज्जनों, गुरु एक लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य। किसी को मत देखना कौन क्या कर रहा है, जो कोई करेगा तुम मत देखो, वो हजारों आंखों से देख रहा है, क्योंकि उसने मौका दिया खेलने का, खेलो जैसे मर्जी करो, क्योंकि इनाम उसके पास है। इनाम उसी को मिलना जो जीतेगा, जो कर्म पूरा करेगा। आप केवल गुरु को देखो, किसी को ना देखो। केवल गुरु को देखो और अपने आप को देखो। मरीज केवल डॉक्टर को देखता है और उसकी दवाई का सेवन करता है, वो साथ में पड़े हुए बेड पे किसी मरीज को नहीं देखता कि ये तो मर गया, इसका इलाज का ठीक से नहीं हुआ, उसको ये सोचने का कोई अधिकार नहीं है। केवल उसे अपने इलाज से मतलब है और गुरु की आज्ञा के अधीन और पुरुषार्थ और परमार्थ कर्म में लगने की जरूरत है, समाज कल्याण में, जिससे आपके द्वारा, आपके माध्यम से आपको निमित्त बनाकर गुरु अपना काम करेगा, औरों को भी बदलेगा, औरों का भी इलाज, सबका इलाज करने आया है, सबका इलाज करने आया। कभी भ्रमित मत हो जाना, कभी डगमगा मत जाना, बल्कि किसी की डगमगाई हुई श्रद्धा को स्थिर कर देना, जोड़ देना, भक्ति जोड़ने का नाम है। तभी कहा ना, उल्टे पुल्टे शब्द का शिष्य नहीं माने दुख। आपको कुछ भी गुरु घर से कोई कह दे, आपका रिश्ता गुरु के साथ है, किसी ने कुछ कह भी दिया, मान लो ये आपकी परीक्षा हो सकती है, आपके मन पे चोट हो सकती, हो सकता गुरु किसी को माध्यम बना के आपको मटका, देखते ना ठनका के आवाज निकलनी ठीक से, ये भी हो सकता है। मेरे गुरु हैं,
हाँ किसी दिन गुरु भी कह दे तो मिट जाना उसके चरणों में। बुल्ले शाह को धक्के मारे गए, वो कहता मैं मरना भी यही है, जिंदा तो मैं जाने वाला नहीं, चार लोगों के कंधों पर जाऊंगा क्योंकि मेरे मेरा तेरे बिना कोई है ही नहीं। आज वो पूजनीय बना। इसीलिए किसी ने कहा उल्टे सुलटे बचन का सिख नहीं माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। गुरमुख है जिसने रिश्ता उससे जोड़ा है, उसे मालूम है रिश्ता डॉक्टर से है, मैं मरीज हूं वो डॉक्टर है। कोई मरीज कुछ कह भी दे कि आप बेड छोड़ के आ जाती है, इलाज छोड़ देते हो? नहीं, जब डॉक्टर भी कुछ कह दे ना बारी तो भी हम प्रार्थना करते हैं, आप जो मर्जी करिए, आप मेरा ऑपरेशन करिए, मैं लिख के दे देता हूं, मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, पूर्ण समर्पण कर देता है। इस डॉक्टर के पास तो करके कोई देखे तो सही। विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, लगन, भावना, समर्पण, सुंदर श्रृंगार है सेवक का, भक्त का। ऐसा सेवक, ऐसा शिष्य प्रभु को बहुत प्रिय है। ऐसे शिष्य के लिए भगवान राम कहते भरत भाई कपि से उऋण हम नाहीं, मैं कर्जदार हूं हनुमान जी का, मेरी बड़ी सेवा की है। जिसका श्रृंगार ये गुण बने ना वो प्रभु के नजदीक अति निकट, क्योंकि गुरु को पा लिया उसने, उसके मन मंदिर में विराजमान हो गया, उसके अंदर साम्राज्य खुल गया, वो नजदीक अति नजदीक, वो उसके कर्म में रत है। एक चीज जीवन का चरित्र निर्माण, ऊंचा चरित्र मनुष्य के अंदर जब उसका पतन होता है तो ये एक छेद रह जाता है। आपको कितना वो प्रेम देता है, कितना मान देता है, बिना मांगे बहुत देता है, लेकिन इसे आप अपना मत समझना, उसकी कृपा समझना। और यहां इस परिवार, पवित्र परिवार, जो मनुष्य चरित्र से हीन होगा एक कदम भी नहीं चल पाएगा, नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि महान चरित्रवान चरित्र निर्माण करने आया है, श्रेष्ठ मानव बनाने आया है। एक पत्थर को घड़ घड़ के मूर्ति बनाता है, चोट मार मार के मूर्ति बनाता है, तभी पूजा होती है। ये सतगुरु की कृपा है। कैसे चक्कर चल रहा है उसका, मैंने बीच में एक शब्द कहा कि कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, इसलिए नहीं समझा रहे कि उसकी कोई कमजोरी है, वो सब कुछ करके आया था। कहीं अर्जुन को अभिमान हुआ महाभारत युद्ध जीतने के बाद, कहीं ना कहीं अंकुर फूटा, क्योंकि ये होता है मनुष्य के अंदर भरपूर मात्रा है इन सब चीजों की, तो भगवान वो भी कांटा निकाल देना चाहते थे। भगवान ने समझ लिया कि इसके अंदर कांटा एक छोटा सा चुभ रहा है, नासूर बन जाएगा, इसको निकालना जरूरी है। बरबरीक की गर्दन टांगी हुई थी, भगवान कहते हैं वो गर्दन उतार के लाओ, वो गर्दन बरबरीक घटोत्कच के पुत्र की थी, जो कहता था कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, और भगवान ने देख लिया कि इसके बहुत जबरदस्त निशानेबाज है, इसका तीर लक्ष्य भेदता ही है, इसलिए भगवान ने अब धर्म की स्थापना के लिए जो अधर्म के पक्ष में लड़ेगा या उधर्म के लिए कुछ करेगा तो उसकी गर्दन काट के टांग दी। उस गर्दन ने कहा कि महाराज आपके हाथों मेरा जीवन सफल हो गया, पर मेरी अंतिम इच्छा है मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। भगवान ने उसकी गर्दन ऊंची जगह टांग दी जहां से वो सब देख रहा था, पूरा महाभारत देखा उसने। गर्दन मंगवाई और भगवान बरबरीक को कहते तूने युद्ध देखा सारा? जी महाराज मैंने सारा युद्ध देखा। क्या देखा? महाराज केवल एक चक्र घूम रहा था, चारों तरफ वो चक्र घूम रहा था और मुझे कुछ नहीं दिखा, केवल मुझे चक्र ही दिख रहा कि चारों तरफ चक्र ही घूमता है। भगवान कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, अपने दोनों सुंदर नयन अर्जुन की तरफ मोड़े। अर्जुन को एहसास हो गया अपने गुनाह का, गलती का, ये गुनाह हम भी करते हैं, कर वो ही रहा है, चक्कर उसी का चल रहा है। आने वाले समय में देखेंगे मालिक की क्या खेल क्या लीला होती है, लेकिन कहीं पीछे मत रह जाना, कहीं कदम रोक मत देना, कहीं बैठ मत जाना, टूट जाए पांव
लेकिन रुके ना, मिट गए तो गुलजार होंगे, बने रहे तो पाषाण होंगे। सज्जनों, बहुत सारी बातें हैं और समय इजाजत नहीं देता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो कृपा की है ना उसने लूट लेना, बस इतना ही कहूंगा। इसलिए प्रेमियों, इस भक्ति की जो कमाई है वो सेवा ही है। आप सेवा में डट जाएं, लग जाएं, एक स्तंभ की तरह, हिमालय की तरह खड़े हो जाएं अपनी सेवा में, अपने कर्म में, और कुछ कर दें। सच में ये फाइनल मैच है, खेल लो, भाग लो, दौड़ लो, कम लगा दो चौके छक्के, कोई कमी ना रहे, क्योंकि ये मौका फिर फाइनल मैच नहीं मिलेगा। चलें और श्री गुरु महाराज जी से हमेशा प्रार्थना करते रहें, प्रभु मेरे कदम कभी रुके ना, टूट जाएं लेकिन मंजिल से पहले रुके ना, ये मुझे शक्ति देना, मैं कर्म योगी बनूं, ऐसी प्रार्थना हमेशा करते रहें। बोलो सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की।